वेलकम बैक टू राजपूत फैमिली व्लॉग। आज है यहाँ पे वेनसडे और सुबह के 9 बज रहे हैं। थोड़ी सी फोग भी हो रही है, शादी के फंक्शंस भी चल रहे हैं और इंशाल्लाह आज हमारे घर में पहला फंक्शन होगा माइयों मेहंदी का। और आज हम सुबह इसलिए भी उठ गए, लाहौरी हैं, खाना लाहौरियों के खाने मशहूर है, तो मैंने सोचा क्यों ना जब मैं पाकिस्तान आई हुई हूँ तो आपको भी यहाँ के टेस्ट करवाती हूँ खाने। अरे मार्डर टाउन में यहाँ पे गोगे के चने बहुत ज़्यादा मशहूर हैं और काफ़ी रिहान के मेरे फ्रेंड्स ने हमें सजेस्ट किया था यू शुड गाइस ट्राई द गोगा चने इन मार्डर टाउन। तो आज हम जा रहे हैं गोगे के चने खाने के लिए मामू और पापा के साथ, साथ में सिस्टर्स भी हैं। हमारे साथ आई हैं रमा और अनमोल और आगे बैठे हैं मामू और पापा, उनसे भी मिलवाते हैं उतर के और चलते हैं गोगे के चने खाने के लिए। तो यह है गोगा नकीबिया मुर्ग चने। तो देखिए मुझे लग रहा है कोई लाइन शाइन है या रश ज्यादा है। तो पाइनएप्पल लाएं जी। लागे और की लाना भाई साहब जी सर साहब आ गए। नाश्ता आ गया और हमने गाड़ी में मंगवा लिया। ये लो भाई और देखते हैं भाई। हाँ जी लस्सी बोतल चाय चाय सलीम मामू चाय चाय चलेगी चाय लेकिन जरा फिर ये देखें चलें ट्राई करते हैं। और बहुत मजे के हैं, मैंने एक दो नवाले लिए हैं, तरस गए थे ऐसे चने खाने के लिए। अनमोल कैसे लगे आपको? बहुत अच्छे। आप बताइए कैसे लगे मामू को और पापा को चने? चने बहुत जबरदस्त हैं जी। फिर लो लो है, सही बात है ना? ऐसे भी नहीं बनते। मजा आ गया वैसे, वो खाने का बड़ा शौक है तो बस रेहान की ख्वाहिशात मैं जो है ना उनके हिस्से का मैं खा के जा रही हूँ। चाय आ गई है, चाय भी ट्राई करते हैं इनकी, देखते हैं किस तरह की है। ये बर्तन ही पकड़ो, ये आप पकड़ो, मैं देता हूँ। देखते हैं चाय, देख चाय पकड़ो। पापा कह रहे हैं सब्जी की ग्रोसरी। किलो का निकल जाइए, अगला भावे उठे रह जाइए। करने से पहले मेरे मामू की पंजाबी तो सुन लिया है, तो वैसे हम प्योर हिंदुस्तानी और आज हम आए हैं तरसाली गेट। तरसाली गेट जैसा कि मेरा शौक था
और मेरी कोशिश थी जब मैं लाहौर जाऊं तो ढोल लेकर आऊं, मुझे बड़ा शौक है पंजाबी गानों का, सिखों के और ढोल का। तो आपको पता है अमेरिका में और वहाँ पे तो ये चीज़ें इतनी वियर्ड नहीं लगती, यहाँ पे तो थोड़ी सी वियर्ड लगती है। तो मैं अपना ढोल खरीदने के लिए आई हूँ तरसाली मार्केट। तो मैंने सोचा कि चले आपको भी साथ लेके चलते हैं, शौक शौक की बात है। और मॉडर्न टाइम आ गया ना फाइस, तो इंसान को अपनी सोच चेंज करनी चाहिए। जरूरी तो नहीं है लड़के सिर्फ ढोल बजा सकते हैं। तो आज ढोल बजाना सीखते हैं ताकि फाइस की शादी पे हमें ढोल वाला ना बुलाना पड़े, है ना फाइस? जी 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 बिल्कुल, आप ही बुलाएंगे अमेरिका से। हम आप ही बुलाएंगे, चले चलते हैं ढोल लेने की तरफ। मक्का नान शॉप, नानों को ऑर्डर देने के लिए सायरा की आज माइयों मेहंदी है, तो बस पापा नान को ऑर्डर देने और उसके बाद अभी कामों की लिस्ट बहुत ज़्यादा है। सायरा आ गई है अपनी मेहंदी पे तैयार होने के लिए और बस हल्का सा हेयर स्टाइल लेगी क्योंकि हमारे घर में माइयों मेहंदी पे लड़कियां ज़्यादा तैयार नहीं होती हैं। चले चलते हैं आपको ग्लिट्स ग्लैम लेके। सायरा को हमने छोड़ दिया पार्लर, आज माइयों मेहंदी की रेडी होएगी सायरा, अपने बाल बनवाएगी और हम जा रहे हैं लिबर्टी। सायरा की माइयों हैं, गजरे लेंगे और थोड़े से फ्लावर्स का, उसको फ्लावर्स के एयरिंग्स चाहिए तो फ्लावर्स के एयरिंग्स मैंने बनवाने हैं। कज़न, क्या आपके तासुरात हैं सायरा की शादी पे? क्या तासुरात हैं? खुश है, लग रहा, बहुत मज़ा आ रहा है, इंजॉय हो रहा है। कोई उसको एडवाइस या कुछ देना चाहती हैं? बस उसको दिल से खुशियाँ। चले चलते हैं ब्राइड की चाची की तरफ। क्या इस मौके पे आपका क्या तासुरात है? ये मौका बहुत अच्छा, अल्लाह का शुक्र है सायरा की आज मेहंदी है और मेरी ये नसीहत है कि अल्लाह पाक इसको खुश रखे, इसको ढेरों खुशियाँ नसीब करे और अल्लाह पाक इन दोनों की जोड़ी सलामत रखे और आगे भी ज़िंदगी में इसको इससे ज़्यादा बढ़कर खुशियाँ मिलती हैं। आमीन। और ये है ब्राइड के चाचू, आपका क्या इस मौके पे ब्राइड के लिए कोई एडवाइस या कोई दुआ क्या देना चाहेंगे? अल्लाह इन्हें खुशियाँ देखने नसीब करें, अल्लाह इनका नसीब अच्छा करें बच्चे, और अल्लाह पाक बुरी नज़र से बचा के रखे। आमीन सुम्मा आमीन। ये है ब्राइड के छोटे छोटे कज़न, मामू के बेटे। और अब आते हैं ब्राइड के कज़न्स की तरफ, ये भी हमारी फर्स्ट कज़न्स है। आपके क्या तासुरात है शादी पे सायरा की? सायरा की शादी में ये है कि अभी तो स्टार्टिंग करो ना और अल्लाह ताला खुश रखे इसको। आप कुछ कह देंगी रायबा? चले शादी पे मिस करेंगे आप सायरा को? आमीन।
सबको बताने की रात आ गई, सबको बताने की रात। खुशियाँ मनाने की रात आ गई, खुशियाँ मना।